लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पंजाब हुकूमत की तरफ से दो हफ्तों के इल्तवा के बाद इजाफा शुदा ड्राइविंग लाइसेंस फीस लागू कर दी गई। डेली पाकिस्तान ग्लोबल के मुताबिक निगरान सूबाई हुकूमत की तरफ से 1 जनवरी को ड्राइविंग लाइसेंस फीस बढ़ाने का ऐलान किया गया था, ताहम बाद इसका नफाज एक एक हफ्ते के लिए 2 बार मौखर किया गया, ताहम अब इसे लागू कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को 980 रुपये और कार या जेब का लाइसेंस बनवाने वालों को 2,280 रुपये फीस अदा करनी होगी। इस तरह LTV और HTV लाइसेंस की फीस बढ़ाकर 2,480 रुपये, ट्रैक्टर कमर्शियल की सालाना रेगुलर फीस 1,980 रुपये और जरिए ट्रैक्टर की फीस 1,480 रुपये कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल के डुप्लीकेट लाइसेंस की फीस 580 रुपये, कार जीप और LTV की 630 रुपये और HTV का डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की फीस 680 रुपये मुकर्रर की गई है।